या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड लेक्चर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज से हम एक्चुअल क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस कैपिटल कैसे ढूंढता था वो सिखाया। आज के लेक्चर में मैं तुमको कंप्लीट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर सिंपल जाएगा। यहाँ पे कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है, कोई लेजर अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं। सिंपल दो फॉर्मेट बनाने, उसमें लिखना है, दैट्स ऑल। और आपको एग्जाम में 15 मार्क्स दे कर जाओ। एक चैप्टर बरोबर से करके जाओगे, फाइनल अकाउंट पहले से आता है, दो चैप्टर अच्छे से करके जाओगे, आपका पास होने का गारंटी हो जाएगा अच्छे मार्क्स से। 15 और 15 30 मार्क्स हो रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं SY BCOM का टेक्स्ट बुक ऑलरेडी, नोट्स, अपना क्लासेस का नोट्स रेडी कर चुका हूँ। आप प्लीज ये नोट्स कैरी कर लो, जल्दी से आके एडमिशन लेके जो भी अमाउंट आपको सही लगता है भर के। इससे मेरा ये टाइम बच जाएगा, ये क्वेश्चन लिखने का टाइम बचेगा। आपके पास घर पे टेक्स्ट बुक रहेगा, मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक रहेगा, मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 7, आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठोगे, वीडियो देखोगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। वरना होता क्या है, ये क्वेश्चन लिखने की वजह से मेरा बहुत सारा मोबाइल का मेमोरी अननेसेसरी वेस्ट होता है और अननेसेसरी का वीडियो एनलार्ज हो जाता है, बोर्ड का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जल्दी क्लासेस में आके टेक्स्ट बुक लेके जाने का, अकाउंट्स 1 का, अकाउंट्स 2 का। अभी हम फिलहाल अकाउंट्स 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स 2 इसमें कवर होते ही 3-4 चैप्टर होने के बाद मैं अकाउंट्स 2 स्टार्ट कर दूंगा, फाइन। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनरल एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ये एक बार समझ में आ गया ना, तुम्हारा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन खत्म के बराबर हो जाए, क्योंकि हर बात में, हर क्वेश्चन में हमको सेम करना है, फाइन। नाउ ध्यान से देखो, बैलेंस शीट दी आपको। लायबिलिटी में कैपिटल ऑफ ए बोला है 10,000, बी बोला है 20,000, सी बोला है 40,000, जनरल रिजर्व दिया है 60,000, क्रेडिटर दिया है 50,000, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 80, प्लांट एंड मशीनरी 50, फर्नीचर 20, डेटर 20, कैश 10, क्लियर। टोटल 1,80,000। एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 है। एसेट सोल्ड, हमको एसेट बेचना नहीं इस चैप्टर में, वो लोग खुद बेच के देंगे, वो लोग बोलेंगे एसेट सोल्ड, क्योंकि जितने भी एसेट है कैसे बेचे। जनवरी महीने में 50,000 का बेचा, फरवरी में 41,000 का बेचा और मार्च में 18,000 का बेचा। सर मतलब हम सब एसेट एक साथ बेचना चाहते हैं, लेकिन एक साथ कोई खरीदने के लिए तो रेडी होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, वो लोग अमाउंट बोलेंगे, हम अमाउंट बोलेंगे, हमारा उनका जमेगा तो हम वो चीज को बेचेंगे, नहीं जमेगा तो नहीं बेचेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसी पड़ा होगा, ठीक है, मेरे पास एक एसी पड़ा है, मैंने एक ही साल यूज किया, मैंने सोचा थोड़ा और बड़ा वाला एसी लगा, मैंने खुद ने 40,000 में खरीदा था, एक ही साल यूज किया, मैंने सोचा चल एक साल यूज कर रहा है, बेच देता हूँ 30,000, मैंने सोचा बेचूंगा, 30,000 में मैं बेचूंगा। तो एक आदमी आया बोलते सर एसी बेचना है क्या, मतलब हाँ बेचना है करके, कितने में, मैंने बोला 30,000, तो बोल रहे सर मैं 20,000 दूंगा, मैंने बोला चल निकल। दूसरा आया वो बोलते सर एसी बेचना है, बोला हाँ बेचना है, कितने में, 30,000, बोलते 25,000 दूंगा, मैंने चल निकल। तीसरा आया बोलते सर एसी बेचना है क्या, मैं बोला हाँ बेचना है करके, कितने में, बोला 30,000, बोलता है सर 5,000 दूंगा, मैंने कहा मैं तेरे को रिमोट दूंगा चलेगा क्या, बोलता है नहीं, तो मैं बोला मेरे को भी 5,000 नहीं चलेगा, तू भी निकल। चौथा आया, मैंने बोला 30,000, वो बोल रहा है सर 28,000, मैंने बोला ठीक है। अभी 30 का मुझे समझो 28-29 मिलता है, ठीक है ना, एसेट बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा समझ में आता है। 30,000 के एसेट, एसी का 5,000 मांगेगा, मैं दूंगा क्या, नहीं। तो वैसी एसेट तभी बेचूंगा जब मुझे सही लगेगा, मुझे सही अमाउंट मिल रहा है। इससे हर महीने में थोड़ा थोड़ा चीज बेचा, तो जनवरी में 50,000 रुपया आया ये बेच के, थोड़ा थोड़ा, कोई मशीनरी लेके गया, कोई बिल्डिंग लेके गया, कोई फर्नीचर लेके गया, फरवरी में 41,000 आया, मार्च में 18,000, ऐसे 3 बार पैसा है। तो आपको प्रॉब्लम है, ऐसे इंस्टॉलमेंट दे रही है, पहले बार इतना, दूसरे बार इतना, तीसरे बार इतना, चौथे बार इतना, ठीक है। फिर बोलते क्रेडिटर्स पेड इन फुल, क्रेडिटर को पूरा पैसा। फिर प्रिपेयर एक्सेस कैपिटल एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला चीज दिमाग में डालो, एग्जाम में दो चीजें दी रहेंगी, बोला क्या क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, ए बोला क्या क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, ए बोला ना क्या क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। हम दो फॉर्मेट बनाएंगे फिक्स, पहला स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, इसमें हमेशा तीन कॉलम, क्योंकि तीन ही पार्टनर रहेंगे हमेशा, डोंट वरी, एक दो तीन, और साथ में स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन।
लास्ट लेक्चर में मैं सिखा चुका हूँ, वापस एक बार सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये दोनों करना है। ये आपको 15 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका 5 मिलेगा, इसका 10 मिलेगा, 5 मिलेगा 10 मिलेगा। अगर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने आपके कॉलेज ने 20 मार्क के लिए पूछा, फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क के लिए पूछा, तो इसको आपको कम से कम 8 मार्क्स होगा, इसको कम से कम 12 मार्क्स होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम रिलैक्स हो। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत रिलैक्स होकर देखने, हर चीज बोर्ड पे है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे नहीं समझेगा, पहला लेक्चर में जाने वो वीडियो नंबर 1 देख लेगा, लेक्चर 1। मैंने हर एक लेक्चर को नंबर दिए 1, 2, 3, 4, आप वो लेक्चर्स देख के समझ सकते हो, वेरी क्लियर। मैंने यूट्यूब पे उमानाथ शेट्टी करके चैनल बनाया, आप उस पर जाओ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं आपका वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा, तो कंपलसरी वो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगे जाके ये वीडियोज आप जब भी अपलोड होगा आपको देखने को मिलेगा। मैं कुछ भी बाहर के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी नॉलेज का चीज शेयर करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको अब जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको जब भी टाइम है, किधर भी ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, जब खुलेगा तब रहे, तब वो वीडियो को बैठ के वापस देख सकते हो। फाइन, चलो लेट अस स्टार्ट। बोलो कितने पार्टनर्स है, 3। पहले पार्टनर्स का नाम लिखा, ए बी सी, एवरीबॉडी इज रेडी, ए बी सी। स्टार्ट करने का पहला वर्ड कैपिटल, याद करो ये लास्ट लेक्चर में सिखाया कैपिटल, ना कैपिटल। बोलो ए का 10,000, बी का 20,000 और सी का 40,000, वेरी गुड। इस कैपिटल में ऐड करने का जनरल रिजर्व दिख रहा है, कि जनरल रिजर्व है लायबिलिटी में, जनरल रिजर्व 60,000, तो जनरल रिजर्व 60,000। तीनों का रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं, तो रेशियो क्या लेगा, इक्वल। जब कुछ नहीं बोला रहेगा रेशियो क्या लेगा, इक्वल। रेशियो क्या लेगा, इक्वल। कुछ नहीं बोला रेशियो क्या लेगा, इक्वल। तो 60,000 कैसे बटेगा, 20 वापस 20 एंड अगेन 20, 20, 20 एंड 20। लेस करने का प्रॉफिट एंड लॉस, आप बताओ एसेट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड नहीं, ये लायबिलिटी है, ये एसेट साइड, एसेट में कुछ नहीं है तो डैश, ये टोटल हो गया, टोटल 30, टोटल 40, टोटल 60। इसको नाम देने का एडजस्टेड कैपिटल, ये सब बाहर करना है वर्ड्स उनको, एडजस्टेड क्या कैपिटल। फिर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है 1:1:1, और यहां से स्टार्ट। पहला काम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड। पहला काम इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो ना 30 डिवाइड बाय 1 30, वेरी गुड। 40 डिवाइड बाय 1 40, एक नंबर। बोला 60 डिवाइड बाय 1 60, क्या बात है। बोला इसको बोलते पर यूनिट कैपिटल, क्या बोलते सर इसको, पर यूनिट कैपिटल। अब ये तीनों में से जो भी छोटा नंबर आपको लगता है उसको सर्कल कर, तो क्या मैं बोलूं 30,000 छोटा फिगर है, तो मैंने इसको क्या किया, सर्कल। ठीक है, अभी जिसको सर्कल किया रहता है ना उसी को वापस तीनों के रेशियो से क्या करने का, मल्टीप्लाई। तो बोला 30 into 1 30 एंड अगेन 30 into 1 30, इसको बोलेंगे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ए बोलो क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ए बोलो क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी इसको बाजू वाले से नहीं ऊपर वाले से माइनस करने का, याद रखना बाजू वाला के ऊपर वाला, ऊपर वाला, ए बाजू वाला के ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाले से माइनस। 30 30 नहीं, 40 30 10 और 60 30 30, इसको क्या बोलेंगे सर, सर प्लस। बोलो क्या बोलेंगे इसको, सर प्लस। ये हो गया ना एक पार्टनर नील, अभी वही ये चार वर्ड, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 रिपीट करने का, और एक नील होना चाहिए। ठीक है, चलो वापस एक बार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 1:1। पहला चीज क्या होगा, डिवाइड, 10 डिवाइड बाय 1 30 डिवाइड बाय 1, क्या बोलेंगे सर इसको, इसको बोलेंगे पर यूनिट कैपिटल। बोलो दोनों में से ये छोटा है कि नहीं, सर्कल, जिसको सर्कल किया उसी से मल्टीप्लाई। तो बना 10 into 1 10, एक नंबर, 10 into 1 10, एक नंबर। ए इसको क्या बोलोगे सर, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जबरदस्त। अभी इसको वापस एक बार, बाजू वाले से नहीं ऊपर वाले से माइनस, तो बना 10 में से 10 गया 9, 30 में से 10 गया 20, डन फिनिश। इसको क्या लिखेंगे सर, सर प्लस, खत्म।
अभी जैसे ही दो नील हो गए वर्किंग नोट खत्म। अभी नोट बनाने का, नोट वन नोट टू नोट थ्री, मैंने नोट सिंपल करके बताया, नोट वन नोट टू एंड नोट थ्री, लास्ट में जो पैसा बचेगा उसको पहला मिलेगा। तो फर्स्ट पे टू सी रुपीस कितना 20,000, ये पहला देना पड़ेगा। ये देने का नोट टू लिखने का, वो कैसे, इसके ऊपर हमेशा दो अमाउंट रहेगी, वो दो अमाउंट मतलब दो जन को देने का, सेकेंड नोट में हमेशा दो जन का नाम होगा। तो सेकेंड पे टू बी एंड सी 10,000 एंड 10,000 एंड 10,000, और नोट थ्री खुद से लिखने का, उसका क्वेश्चन भी कुछ नहीं, बैलेंस पे टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 1:1:1 है, खत्म। सो सिंपल, आराम से देखो, दो बार देखो आपको ऐसे भी समझ में आए, ये बाहर करना है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं। चार वर्ड याद रखना, पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर पर यूनिट कैपिटल, फिर प्रोपोर्शनल कैपिटल, फिर सरप्लस, ये दो बार रिपीट होता है, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, ठीक है, माइनस करता है बाजू वाले से, ऊपर वाले से, खत्म। अभी याद रखना, सब लोगों का पैसा देने के बाद पहले सी को 20 मिलेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें बी और सी को 10-10 और मिलेगा, और उसके बाद जो बचेगा वो सब पार्टनर्स को। ये वर्किंग नोट वन हो गया, ये आपका 5 से 8 मार्क्स हो गया। अभी वर्किंग नोट नंबर टू, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में दो ही चीजें बनाना है, 1-2, पहला क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सेम ही करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कॉलम फिक्स नहीं है, याद रखना कॉलम कैसे बने, ये पहला कॉलम फिक्स है कैश, याद रखना क्या बनाने का, कैश। उसके बाद इधर देखो उसके बाद लायबिलिटी भी, जो भी है ना, जो भी, सबका कॉलम बनाना, लेकिन रिजर्व छोड़ के, जनरल रिजर्व छोड़ के बाकी सबका कॉलम बनाना, जनरल रिजर्व छोड़ के सबका कॉलम। तो क्या कॉलम बनेगा, ए बी सी और क्रेडिट, लेकिन पैसा देते टाइम पहले क्रेडिटर को मिलेगा फिर ए बी सी, तो कैश के बाद इमीडिएटली क्रेडिटर लिखने का, फिर ए, फिर बी और फिर सी, हमेशा याद रखना। अच्छा सर, क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल भी होता तो पहले कैश आता, फिर क्रेडिटर आता, फिर बिल्स पेबल आता, फिर ए बी सी, पार्टनर का नाम लास्ट में। फाइन, चल अभी इनका क्या क्या अमाउंट बाकी वो लिखने का, बोलो क्रेडिटर को कितना देने बोला, 50, देखो क्रेडिटर पेड इन फुल, तो 50, वेरी क्लियर। और एबीसी का ये अमाउंट नहीं लिखने का, ये वाला लिखने का एडजस्टेड क्या था? क्यों सर ये क्यों नहीं, बिकॉज हमने जनरल रिजर्व का कॉलम नहीं बनाया ना, वो जनरल रिजर्व उनके कैपिटल में ही एड होता है, वो उनका पिछले सालों का प्रॉफिट का पैसा था जो यहाँ पे एड हुआ है। तो इट इज 30, 40 एंड कितना 60, याद रखना। क्रेडिटर का अमाउंट बैलेंस शीट में से ले लेगा, पार्टनर्स का अमाउंट एडजस्टेड कैपिटल में से ले लेगा, ठीक है, बैलेंस शीट में से नहीं है, पार्टनर्स का अमाउंट एडजस्टेड कैपिटल, हो गया सबका। चलो अभी सिंपल तरीके से बैलेंस शीट के एसेट में देखने का, कैश या बैंक वर्ड है, बोला है कि नहीं, हाँ है, कितना बड़ा है हमारे पास कैश, 10,000, तो इसको बनाने का ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखने का सर, ओपनिंग बैलेंस, मतलब तुम्हारे पास पहले से 10,000 रुपया पड़ा है, कैश में बोला होना तो भी लिखने का, बैंक बोला होना तो भी लिखने का, तो ये कैश बैंक में से 10,000 रुपया लिखा, सर नहीं रहता तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होता है एसेट से, तो ओपनिंग बैलेंस में 10,000 कंपलसरी ओपनिंग बैलेंस लिखते ही। इसमें से पहला चीज लेस करने का रियलाइजेशन एक्सपेंस, आपको दिया रहेगा नोट पर ही, रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या सर, बिजनेस बंद करने के टाइम जो भी छोटा मोटा, क्या बोला मैंने, छोटा मोटा खर्चा होता है, गाड़ी वाड़ी का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, किसी को कमीशन देना पड़ा वो खर्चा, कोई भी खर्चा बोलो जो बिजनेस बंद करने के टाइम पे होता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलता है, चटर पटर भाई बोला। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना बोला, 2,000, तो इस 10,000 में से पहले 2,000 रुपया पे कर देंगे, तो 2,000 गया, तो बताओ 10,000 में से 2,000 गया, बचा कितना 8,000, वेरी गुड, बचा कितना 8,000। अभी जैसे ही रियलाइजेशन एक्सपेंस खत्म हो गया ना, जो पैसा बचा है ना क्रेडिटर को दे देंगे। अभी आप बताओ क्रेडिटर को कितना देने का बाकी है, 50, अभी हम उसको कितना देंगे, तो हम क्रेडिटर को बुलाएंगे, उसको समझाएंगे, देख भाई तेरे को 50 देने का, 50 देने को रेडी है, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो 8,000 रुपए लेके जा, और जब मेरे पास एसेट बेच के पैसा आएगा ना, मैं फिर देखो फोन करूंगा, तू आना तेरा पैसा लेके, देख मैं देखो तेरा पूरा 50, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस मिल, अभी सुनना, पीस मिल का मतलब होता है पार्ट, चैप्टर का नाम क्या है, पीस मिल का मतलब होता है पार्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पेमेंट, पीस मिल का मतलब होता है पार्ट,
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पेमेंट, तो पूरे वर्ड का मतलब क्या हो गया, पार्ट पेमेंट, मतलब सबको पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, हम तुम्हारा जो भी पैसा है देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो बताओ इसको कितना देने का है, 50, अभी कितना पड़ा है 8, तो फिलहाल के लिए 8,000 दे दो। तो यहाँ पे लिख लेगा किसको पैसा दिया, क्रेडिटर, तो पेड टू क्रेडिटर, बोलो कितना, 8,000। अभी जिसको दिया उसके कॉलम में भी दिखाओ 8,000। क्या मैं बोलू हमारा ये पूरा 10,000 खत्म हो गया, पहले दो और अभी 8। जब जब तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा एक बड़ा अंडरलाइन करके सबका बैलेंस दिखा दे। बोलो सी को कुछ मिला क्या, नहीं, तो 60 पूरा बाकी है, इसको 40 पूरा बाकी है, ए इसको 30 पूरा बाकी है, ए लेकिन इसको 50 में से 8 मिल गया ना, 8 मिल गया ना, 8 मिल गया ना, तो इसका खाली 42,000 बाकी है। ये क्लियर क्या सब, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का पैसा खत्म, तो कैश बैंक रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस आएगा खत्म। अभी देखने का नीचे एसेट बेच के पैसा आया है क्या, हर प्रॉब्लम में आपको एसेट बेच के ऐसा 1, 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट बताया है। तो जनवरी में पहला पैसा है बोला कितना, 50,000, तो उसको लिखने का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट क्या इंस्टॉलमेंट, आप चाहो तो फर्स्ट रियलाइजेशन भी लिख सकते हो, कुछ कॉलेज रियलाइजेशन वर्ड बोलते हैं, कुछ कॉलेज इंस्टॉलमेंट, इधर लिखो कौन से महीने में आया, जैन, ए बोला कितना पैसा आया, 50,000। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं इस 50,000 का आप क्या करोगे, वेरी गुड वेरी गुड, तो इस 50,000 में से पहले क्रेडिटर का उसका बाकी का पैसा जो है वो दे दो। तो देखो लेस पेड टू क्रेडिटर कितना, 42,000। हाँ अभी बोल सकते हैं क्या क्रेडिटर का पैसा पूरा दे के हो गया, हाँ हो गया, क्रेडिटर सेट, क्रेडिटर सेट। अच्छा अभी बड़ा अंडरलाइन करने का क्या, नहीं, क्यों नहीं सर, अरे 50 में से खाली 42 गया है ना, तो अभी भी 8,000 बाकी है, ये भी 8,000 पूरा खत्म करेंगे तब बड़ा। अभी जैसे क्रेडिटर का पैसा देके हो गया, कोई और लायबिलिटी के देखने का नहीं है, तो भूल जाओ लायबिलिटी नहीं है ना, तो किसकी बारी आएगी, पार्टनर्स। अब जब पार्टनर्स की बारी आ रही, तो इधर क्या लिखा वो नहीं देखने का, इधर देखने का, यहाँ पे, यहाँ नोट देखने का, नोट बोला फर्स्ट नोट में बोला कि सी को 20,000 मिलना चाहिए, तो जब तक सी को 20,000 देख के नहीं होता तब तक नोट टू पे नहीं जाने का। बोला अभी अपने पास कितना पड़ा है, 8, तो पहले 8 दे दो, पहले को लेस पेड टू सी कितना एज पर N1, सर N1 का मतलब, सर N1 का मतलब नोट 1, ए N1 का मतलब नोट 1, ए N1 का मतलब नोट 1, ठीक है, तो नोट 1 के हिसाब से 8,000 दे दिया, ए किसको दिया, किसको दिया, सी को, तो सी, इसलिए बोला इधर नहीं देखने का, नोट पे देखने का, बोला इसको 20 में से 8 दे दिया, क्या मैं बोला अभी पैसा खत्म हो गया, हाँ हो गया, तो बड़ा आ जाता है, बोलो अभी बैलेंस निकालो, 60 में से 8 मिल गया, 52 बाकी, ए पूरा बाकी, ए पूरा बाकी, और ये तो नील हो गया, चलो सब लोग का क्लियर। बोले ये कौन सा वाला पैसा खत्म हो गया, जनवरी का 50 खत्म, अभी लिखने का सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बोलना कौन से महीने में आया, फरवरी, इधर देखने का फरवरी में कितना पैसा आया, 41,000। ये जो एसेट है ना ये हमको बेचना नहीं है सबसे अच्छा, ये ऐसे ही डायरेक्ट आपको बताया जाएगा, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में, ऐसा हर क्वेश्चन में बताया गया। तो बताओ कितना आया, 41,000। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस 41,000 में से आप पहला काम क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, घाई नहीं करना। देखो इसको 20 में से, इसको 20 में से हमने 8 दे दिया है कि नहीं, तो 20 में से 8 मिल गया इसको, तो कितना बाकी है, 12, पहले 12 दे दे, तो पहला 12 दे दे रहेगा। तो देखो लेस पेड टू सी अगेन नोट 1 का, क्यों, नोट 1 में 20 देने को बोला है ना, 8 ही दिया है ना, तो सर तभी 20 क्यों नहीं दिया, ए चिल्लर 20 था किधर, अपने पास 8,000 था ना, 8,000 था ना, 8,000 था, तो इसलिए 8,000 दिया, और उसको बोला बाकी का बाद में देता हूं, तो अभी आया ना 41,000, तो अभी उसको बचा हुआ 12,000 किसको, सी, क्या मैं बोलू 12,000 दिया, हमारे पास कितना बचा, 29, और हम बोल सकते हैं कि ये 20,000 क्लियर हो गया, कैसे, पहले 8 दिया फिर 12, पहले 8 दिया फिर 12 दिया, चलो वेरी गुड। अब भी आप नोट 2 क्या बोलता है, देखो नोट 2 बोलता है कि बी और सी को 10 और 10 20 दो, क्या मेरे पास 20 है, ए जो सुनो, क्या मेरे पास 20 है, हाँ है सर 20 से ज्यादा है, तो टेंशन ही नहीं दे दो, तो लेस पे टू बी एंड सी एज पर वॉट N2, व्हाट इज N2, नोट 2, बोलो 10 और 10 कितना देने का, 20, तो इसमें से 20 दे, बोलो इसको 10 और इसको भी 10,
क्या मैं बोलता हूँ 20 देने के बाद भी हमारे पास 9000 बचा और ये पेमेंट भी क्लियर हो गया। अभी एक बार नोट 1 और 2 का पेमेंट हो गया ना, टेंशन खत्म। क्यों सर? क्योंकि नोट 3 क्या बोलता है, जो पैसा है सब में बांटते जाने और जो आएगा वो भी सब में बांटते जाएगा जब तक पैसा खत्म नहीं होता, जब तक पैसा खत्म नहीं होता। तो ये 9000 सबका है, जिसका एक्स्ट्रा था उसको दे दिया। अभी जो पैसा सबका है तो देखो पे टू ऑल, क्या लिखा सर, पे टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3। एज पर नोट 3 तो बोले 9000 कैसे बटेगा, 3 लाइनिंग 3 अगेन 3, अब भी जाके तुम्हारा 41000 देखो पूरा खत्म हो गया। तो अभी देखा बड़ा अंडरलाइन, बड़ा अंडरलाइन है ना, बड़ा अंडरलाइन। अभी आप बताओ इसको 52 में से पहले 12 दिया 40 बचा, अरे हाय ना, 40 में से 10 दिया 30 बचा, यस 30 में से और 3 दिया तो 27 बचा, गाय नीचे ठीक है। इसको 40 में से 10 दिया 30 बचा, ये सब माइनस करने का रहेगा, 40 में से 10 30, 30 में से वापस 3 27 बचा, इसको 40 में से 30 में से 3 मिला तो 27 बचा ठीक है। बताओ ये कौन से महीने का पैसा खत्म है। अभी लिखने का लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो कौन से महीने में आया सर, मार्च। अब ये बताओ मार्च में कितना महीने में पैसा आया, 18000, तो ये 18000 आ गया। अभी वापस ये 18000 तीनों में बांट देने का, तो लेस पे टू और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3 18000। अभी बटेगा कैसे 18000, आप बताओ, रेशियो इक्वल है ना, तो इसको मिलेगा 6 8, इसको मिलेगा 6 8, इसको मिलेगा 6 6 6 6। अभी आपको पूछ रहा हूं, खत्म हो गया क्वेश्चन, आपको पूछ रहा हूं लास्ट में इनका 27 27 27 देने का बाकी था, हाँ या ना बराबर, इनको हम खाली कितना दे सके, 6 6 6। तो आप बताओ इनको ज्यादा पैसा मिला कि कम, इनको ज्यादा पैसा मिला कि कम। देखो ना पेड़ खाली 6 6 की, तो कितना कम दिया हमने इनको, 21 21 21 बराबर ना, 27 में से 6, इसको बोलते लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्वेश्चन सॉल्व, क्या बोलते सर इसको, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्वेश्चन ये हो गया आपका 20 मार्क, अगर 20 मार्क के लिए कॉलेज ने पूछा, 15 मार्क्स के लिए हुआ तो 15। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, 2-3 क्वेश्चन लगेंगे ग्रीप आने के लिए, लेकिन एक छोटा रिक्वेस्ट करता हूँ, 2-3 बार वीडियो देखो। सेकेंडली मैंने आपको मैसेज में डाला है कि जहाँ पे भी आपको गड़बड़ रहेगा डायरेक्टली टॉक टू शेट्टी सर, आपको एक नंबर दिया है क्लासेस का, वो नंबर मेरे पास ही रहता है, तो कुछ भी रहेगा ना छोटा मोटा छोटे मोटे डाउट तो पूछ लेंगे। चलो ये तो हमको आता ही, एक्सप्लेन करता हूँ एकदम आराम से। कैश कॉलम कंपलसरी है, लाइब्रेरी में जो भी है सबका कॉलम बनाने का, रिजर्व छोड़ो, तो क्रेडिटर को पहला पैसा देना होगा तो क्रेडिटर का कॉलम बनाए, फिर ए बी सी, क्रेडिटर को कितना बाकी 50 तो उधर से 50 ले लेंगे, लेकिन ए बी सी का ये वाला अमाउंट है ना वहां से नहीं निकलेगा, ये लगा निकलेगा एडजस्टेड का। क्यों ऐसे सर? क्योंकि हमने जनरल रिजर्व कॉलम बनाया नहीं, इसलिए यहाँ से लिखा। फाइन, तो ए का लिखा 30 40 60, वेरी गुड। चलो अभी स्टार्ट कैसे करेगा, ओपनिंग बैलेंस ना, कैश बैंक कुछ पढ़ाई के देखने का, हाँ पढ़ाए कैश पढ़ा सर, कैश और बैंक नहीं होता तो डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट होता। तो कैश कितना पड़ा, 10000, तो मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस 10000, ध्यान देना उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंस लेस कर देगा, रियलाइजेशन खर्चा छोटा मोटा खर्चा माइनस किया तो 10 में से 2 गया, बोला कितना बचा 8। फिर क्रेडिटर को 50 देने का था, हमने उसको पहले 8 दे दिया, तो क्रेडिटर को 50 में से 8 मिल गया, कितना बाकी 42, वेरी गुड। फिर जैसे ही मेरे को जनवरी में 50000 आया ना, जनवरी में 50000 आया, ध्यान दो 50000 आया ना, 50000 आया ना, ध्यान दो, तो ये 50000 में से पहले क्रेडिटर को 42000 दे दिया, दिख रहा है क्या, 42000 दिया तो उसका 50 में से पहले 8 मिला, फिर 42 खत्म खत्म। फिर 50 में से 42 गया, कितना बचा 8, वेरी गुड। अभी ए बी सी ये नहीं देखने का, इधर किसका नाम नहीं देखने का, नोट देखने का, जब भी पार्टनर को पैसा देना है नोट देखने का। नोट 1 क्या बोलता है, किसी को 20 मिलना चाहिए, जब तक इसका 20 देख के नहीं होता आगे बढ़ने का नहीं, तो मैं पहले इसके पास, मेरे पास 8 पड़ा था, मैंने उसको 8 दे दिया, किसको दिया, सी को, दिख रहा है क्या, हाँ सी को, तो सी को 8 दे दिया, हमारा ये 50000 खत्म, 42 और 8, बड़ा अंडरलाइन करके 60 में से 8 गया 42 52, ये पूरा बाकी है तो नील हो। फिर फेब में 41 आया, तो 41 में से मैंने पहले 12 दिया, क्योंकि 20 देने का था ना, तो 12 दे दिया सी, तो वहां पे हमारा नोट 1 का पेमेंट क्लियर, कितना बचा 29000 बचा। फिर नोट 2 पे जाते हैं तो 10 और 20 देने का था, तो देखो 29 में से 20 दिया, बी को 10 सी को 10 बराबर, फिर भी कितना बचा 9, नोट 2 क्लियर हो गया ना, फिर सबको पैसा बांट दिया मैंने 3 3 3, तब जाके आपका ये 41 खत्म।
इसको 52 में से माइनस 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 इतना बाकी है, 40 में से इतना दिया इतना दिया इतना बाकी है, इसको 30 में से 3 दिया इतना बाकी, फिर मार्च महीने में खाली 18,000 है, तो ले 18,000 18,000 तीनों में इक्वली बांट दिया एज पर नोट 3, 6 6 6। अभी इसको 27 में से 6 मिला, 27 में से 6, 27 में से, तो हफ्ता 21 21 21 बाकी है, देने का बाकी है, तो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर हमने इनको 30 30,000 दिया रहता ना, 27,000 30 30, तो 3,000 ज्यादा दिया, तब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। समझा कि सबको? फाइन। अभी याद रखना, हर वीडियो के बाद में ये कॉपी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको फोटो भी भेजूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है आपको पूरा वीडियो देख लेना, फिर फोटो पे से क्वेश्चंस कॉपी कर लेना। हमारा पोर्शन चालू हो गया है, लॉकडाउन के हिसाब से हम वेट करते बैठेंगे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे, मुझे 2 अकाउंट्स खत्म करने हैं, तो ठीक है आज के लिए हम पैकअप करते हैं। गुड बाय टू ऑल।